हाँ जी, तो इसके पहले के लेक्चर्स में हमने बात की थी गाउस लॉ क्या होता है, गाउस लॉ का हमने डिफरेंशियल फॉर्म भी देखा था, फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे उसके ऊपर। सारे जो न्यूमेरिकल्स थे वो क्यूब वाले हमने किए थे, और आप कह सकते हैं कि कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके लिए हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। गाउस लॉ के कुछ और हम न्यूमेरिकल्स करें उसके पहले हमें पता होना चाहिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे क्यूबिकल सिस्टम पे पूछे जाएं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ही पूछे जाएं। तो वो क्वेश्चंस करें उसके पहले हम आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम आज डिस्कस करेंगे केवल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए साहब, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए सबसे पहले मैं एक स्फीयर बना लूँ। तो स्फीयर बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक, ये दिखेगा सर्किल, और अगर आपको दिखाना है स्फीयर तो स्फीयर दिखाने के लिए आपको कुछ इसको ऐसा दिखाना पड़ेगा, एक मिनट, इस तरह से कुछ इस तरह से दिखाना पड़ेगा, है ना, राइट। ये क्या हो गया, स्फीयर हो गया, ठीक है। अब ये जो स्फीयर है इसके मैं कोऑर्डिनेट्स बना देता हूँ, तो ये बना दिया मैंने एक, और एक ये बन गया, एक ये हो गया, और इस तरह से एक ये आ गया। तो ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया z, यानी कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x, y, z। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पर जिसको हम x कहते थे यहाँ पर हम कहेंगे उसको r कैप, और y को हम कहेंगे यहाँ पर थीटा कैप, और जो z होगा उसको हम यहाँ पर कहेंगे फाई कैप। आर कैप का मतलब होगा रेडियस वेक्टर, ठीक है, आर कैप का मतलब क्या होगा, रेडियस वेक्टर। इसी तरह से थीटा कैप का मतलब क्या होगा, पोलर वेक्टर। ये कैसे कहाँ दिखाए जाएंगे डायग्राम में वो भी मैं बताता हूँ, और इसका मतलब होगा अजीमुथ वेक्टर, ठीक है, क्या मतलब होगा, अजीमुथ वेक्टर। डायग्राम पे कैसे दिखाएंगे इनको, डायग्राम पे बना लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये मैंने दिखाई रेडियस, ठीक है, तो ये जो वेक्टर हो गया ये कौन सा वेक्टर हो गया, रेडियस वेक्टर हो गया, और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँगा तो इसको हम कहेंगे रेडियस, ठीक है। अगर इसको मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दूंगा तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। ये जो रेडियस है ये जेड एक्सिस के साथ, यानी कि इस वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगी उस एंगल को हम कहेंगे थीटा, और वो थीटा एंगल जो है वो कौन सा एंगल है, पोलर एंगल है, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में लिखा है इसलिए इसको लिख दिया पोलर वेक्टर। और अगर इसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, पोलर एंगल, क्या बोला जाएगा, पोलर एंगल। और ये किसके साथ बनेगा, इस जेड के साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या नाम देंगे, पोलर एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर वाले की बात कर लेते हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं, अजीमुथ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, ये जो आर वेक्टर ज़रूरी नहीं इस डायरेक्शन में हो, बस आप इस आर को आप यहाँ पर भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो ना, ये ठीक से बनाया नहीं है, इस आर को आप ऐसे भी ले सकते हो यहाँ पर, तो भी ये क्या होगा, आर वेक्टर होगा, है ना, और ये एंगल जो बनेगा वो थीटा एंगल बनेगा। तो बात समझ में आ गई, तो ये कोई ज़रूरी फिक्स नहीं है कि आपको यहीं लेना है। अब उसके बाद ये प्लेन जो दिख रहा है आपको, ये प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है। अब इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर यदि मैं इसके प्रोजेक्शंस डाल दूँ, ये जो आर वेक्टर दिख रहा है इसके मैं प्रोजेक्शंस डाल दूँ, ऐसे मैंने प्रोजेक्शन डाल दिया, तो यहाँ से एक इस तरह से इसको मिलाऊँ, ये मिला दिया मैंने, तो यहाँ से जब मैं मिलाता हूँ तो ये जो आर है ये आर एक एंगल पर है, किस पर है, एक एंगल पर है, और यहाँ से इसको मैं मिला देता हूँ ऐसे, इस लाइन को ऐसे मिला दिया मैंने, ये मिला दिया, तो एंगल पर है, तो ये इसके साथ जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके साथ क्या जाएगा, कॉस, और उसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा, साइन। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस होगी ये जो जेड पर होगी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आर कॉस थीटा, क्या बोलेंगे, आर कॉस थीटा, और ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोलेंगे, आर साइन थीटा, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोलेंगे, आर साइन थीटा, और ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोलेंगे, आर कॉस थीटा। अब ये जो आर साइन थीटा वाली लाइन है, ये आर साइन थीटा वाली लाइन जो एंगल बनाएगी यहाँ से एक्स के साथ, ये जो लाइन एंगल बनाएगी इसको हम बोलेंगे फाई एंगल, और उस फाई एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, अजीमुथ एंगल, ठीक है। तो ये जो फाई एंगल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अजीमुथ एंगल, इसको क्या नाम देंगे, अजीमुथ एंगल नाम देंगे। तो अब मेरे को बताओ, ये जो फाई एंगल बनाया हुआ है इस एक्स ने आर साइन थीटा के साथ, तो इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट हो गए,
एक्स पे जो कंपोनेंट जाएगा उसको क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा कॉस फाई। यहाँ पर इस पर जो कंपोनेंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, आर साइन थीटा कॉस फाई। और जो वाई पे कंपोनेंट जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम आर साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, क्या बोलेंगे, आर साइन थीटा साइन फाई। तो ये तो बात हो गई कि हमने इसको किस तरह से इसके कंपोनेंट्स किए हैं, क्या किया है। अब उसके बाद मैग्नीट्यूड भी हमने लिख लिया कि आर रेडियस वेक्टर को हम कहेंगे रेडियस, पोलर वेक्टर को हम कहेंगे पोलर एंगल, अजीमुथ वेक्टर को हम कहेंगे अजीमुथ एंगल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके लेंथ है वेक्टर की। लेंथ वेक्टर का मतलब जिस तरह से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोई हमारे पास वेक्टर होता है आर, तो उसको लिखते हैं एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, ऐसे लिखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कोई लेंथ वेक्टर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं रेडियस वाले के लिए बात कर लूँ। तो रेडियस वाले के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये रेडियस है इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ पर है आर वेक्टर, यानी कि डायरेक्शन यही है, आर वेक्टर इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैंने कोई छोटा सा एलिमेंट ले लिया, लेट सपोज उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, डी आर है। कितनी है, डी आर है। तो इसकी जो लेंथ है वो कैसे शो की जाएगी, उसकी लेंथ शो की जाएगी इस डी आर को मल्टीप्लाई कर देंगे इस डायरेक्शन से। तो यहाँ पर जो लेंथ वेक्टर होगा आर की डायरेक्शन में वो कितना होगा, डी आर इंटू आर कैप। ठीक है, उसके बाद इस पोलर एंगल के लिए हम बात करें तो पोलर एंगल के लिए क्या होगा। अच्छा, पोलर एंगल की डायरेक्शन आपको समझनी है तो वो डायरेक्शन कैसे समझोगे, उसको समझने के लिए आप ये मानो कि ये जो गोला है, ये जो स्फीयर है, ये अर्थ है। हालांकि अर्थ स्फेरिकल नहीं होती है, फिर भी मान लो कि ये स्फीयर है और ये इसका नॉर्थ पोल है और नीचे उतर क्या हो, और ये कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और आप बैठे हो यहाँ पर या इस जगह पर बैठे हो। तो अब मेरे को बताओ कि अगर आप यहाँ से फिसलना चालू करते हो, यहाँ से ऐसे उतरना चालू करते हो, फिसलना चालू करते हो, तो यहाँ पर आप बैठे हो तो यहाँ पर आपका एंगल थीटा कितना है, ज़ीरो डिग्री। और जब आप ऐसे फिसल कर यहाँ पहुँच जाते हो, यहाँ पहुँच जाते हो, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। इसी तरह से अगर ये आप यहाँ से चलते हो तो आ तो अभी भी आप नॉर्थ पोल से रहे हो, तो नॉर्थ पोल से वापस जब साउथ पोल की तरफ आओगे, यहाँ पर आओगे, तो यहाँ पर आप आते हो तो भी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो डिग्री से और 180 डिग्री तक, यानी कि इसके लिमिट होगी। और ये जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ये डायरेक्शन किसकी होगी, ये थीटा कैप की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन होगी, थीटा कैप की। तो हम बात कर रहे थे थीटा कैप की डायरेक्शन के लिए। तो थीटा कैप की डायरेक्शन के लिए सबसे पहले हमारा जो आर वेक्टर है वो ऐसे है ना, ऐसे था। मान लो ये घूमकर इस तरह से आया, आप उतर के यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो ऐसे आ गए, ये डायरेक्शन पे आ गए यहाँ पर, और ये बन गया यहाँ पर। ठीक है, ये थीटा था और इसने जो एंगल बना लिया वो कितना बना लिया, डी थीटा, और ये कितना था, आर। तो ये जो ये डिस्टेंस कवर हुई होगी ये वाली, तो ये डिस्टेंस कितनी चला हुआ है, ये आर डी थीटा, और डायरेक्शन कौन सी चल रहा है, ये डी थीटा कैप। तो डायरेक्शन क्या हो गई, थीटा कैप। सवाल ये भी हो सकता है कि जब मैंने यहाँ से इसको ऐसे चलाया तो मैंने इसको माइनस क्यों नहीं लिखा। देखो, नॉर्थ से साउथ आएगा चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, दोनों केस में क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर नीचे से ऊपर जाएगा चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए, तो इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, है ना। तो ये क्लियर करना। फिर उसके बाद दो, एक तो बात हो गई रेडियस के लिए, एक हो गई पोलर एंगल के लिए। थर्ड बात कर लेते हैं किसके लिए, अजीमुथ एंगल के लिए। तो अजीमुथ एंगल के लिए आर साइन थीटा है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल बना हुआ है ये ऐसे बना हुआ है, कितना बना हुआ है, आर साइन थीटा बना हुआ है। आर साइन थीटा जो है उसको मैं घुमा दूँ कहाँ पर, साइन डी फाई घुमा देता हूँ, पहले फाई है तो फाई से कितना घुमा दूँ, डी फाई घुमा दूँ, ये घुमा दिया मैंने मान लो यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना घूम गया, डी फाई घूम गया, डी फाई घूम गया। तो ये जो लेंथ आएगी, ये वाली लेंथ, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आर साइन थीटा और डी फाई। ठीक है, और इस डायरेक्शन में जा रहा है तो डायरेक्शन क्या हो गई, आर साइन थीटा डी फाई। तो मेरे पास तीन लेंथ वेक्टर आ गए, एक आ गया ये डी आर आर कैप, एक आ गया आर डी थीटा थीटा कैप, और एक आ गया आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। तो ये मेरे पास तीन लेंथ वेक्टर हो गए। तो अगर लाइन एलिमेंट और लेंथ वेक्टर लिखें ओवरऑल, तो लाइन एलिमेंट, लाइन एलिमेंट और लेंथ वेक्टर अगर इसका लिखा जाए, लेंथ वेक्टर लिखें तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये वाला, तो इसको लिखूंगा डी आर आर कैप, फिर ये वाला क्या लिखूंगा, आर डी थीटा और थीटा कैप, फिर उसके बाद ये वाला कितना, आर साइन थीटा और डी फाई और फाई कैप, ये लिखूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका लेंथ एलिमेंट बोल लो या फिर इसको लाइन एलिमेंट बोल लो। ठीक है,
उसके बाद एक और चीज़ चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए इसकी, लिमिट्स। तो लिमिट्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं थीटा की बात कर लूँ, तो थीटा का आपको मैंने बताया, यहाँ बैठे हो आप, यहाँ कितना है 0 डिग्री, और यहाँ तक पहुँच रहे हो कितना हो रहा है 180 डिग्री, चाहे यहाँ इस रास्ते से आ रहे हो और चाहे इस रास्ते से आ रहे हो, दोनों ही केसेस में कितना हो रहा है 0 से 180 डिग्री। तो थीटा की जो लिमिट होगी वो थीटा की लिमिट कितनी होगी, 0 से और कहाँ तक है 180 मतलब पाई। तो ये किसकी लिमिट हो गई, थीटा की। फिर बात कर ले आर, तो आर की क्या लिमिट होगी, आर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 0, यानी कि वो क्या बन जाए पॉइंट, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, इनफाइनाइट, है ना, कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। इसी तरह से फाई की अगर बात करें तो फाई क्या होगा, देखो फाई ये है एंगल जो एक्स एक्सिस से बनाया जा रहा है, तो ये पूरा घूम सकता है, यूँ ये पूरा घूम सकता है, पूरा घूमेगा तो कितना होगा, ये होगा 360 डिग्री का, और यानी कि 2π। तो ये जो फाई एंगल की जो लिमिट है वो फाई एंगल की लिमिट कितनी होगी, 2π, कहाँ से 0 से और कहाँ तक, 2π तक लिमिट होगी। तो ये क्या हो गई, इनकी लिमिट्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी, तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है समझने में, आपको कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो अपनी जो समस्याएं हैं, अपने जो डाउट्स हैं, उनको कमेंट्स में लिख के भेजिए। जैसे ही मैं आपके कमेंट्स को देखूँगा तुरंत उनका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा, अगर मेरे को वो आंसर पता होगा तो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये तो हमने बात कर ली कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, अब हम बात कर लेते हैं सरफेस एलिमेंट, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, सरफेस एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो सरफेस एलिमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सरफेस एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इसको ऐसे समझो आप कि जो बॉल है, है ना, क्रिकेट वाली बॉल है, या जो रबड़ वाली बॉल आती है जो खोखली होती है अंदर से, वो आपने बॉल पकड़ी, तो वो बॉल पकड़ी आपने, तो वो बॉल पकड़ी, तो बॉल पकड़ने पर आपको एक चीज़ पता है कि इसकी जो रेडियस है वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, रेडियस हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ये जो आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। हमें अगर सरफेस निकालनी है, हमारे पास तीन डायमेंशन है, एक है कौन सी, थीटा, एक है फाई और एक है आर। तो अगर हमें सरफेस एरिया चाहिए तो सरफेस एरिया के लिए हमें 2 डायमेंशन चाहिए, तो 2 चाहिए तो इसका मतलब एक को फिक्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहली मैं सरफेस एलिमेंट की अगर बात कर रहा हूँ तो मैंने उसके अंदर फिक्स कर दिया किसको, आर कैप को। आर कैप को क्यों फिक्स कर दिया, क्योंकि अगर मैं पूरी बॉल को देख रहा हूँ तो उसकी जो रेडियस है वो हमेशा क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो यहाँ पर आर जो है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो आर जो फिक्स हो गया, तो अब जो इसका सरफेस एरिया आप निकालोगे तो वो 2 की वजह से निकलेगा, एक तो निकलेगा थीटा की वजह से और एक फाई की वजह से। तो थीटा की वजह से जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, आर डी थीटा फाई। तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आर डी थीटा, और दूसरी जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, वो थी आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, आर साइन थीटा डी फाई, और डायरेक्शन किसकी लेनी है, जो फिक्स कर रखा है उसको डायरेक्शन ले लो, ये फिक्स कर रखा है उसको डायरेक्शन ले लो। तो इसको करोगे तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर, ये साइन थीटा आएगा ना, साइन थीटा और डी थीटा और डी फाई, ठीक है, ये एरिया हो गया, है ना, एरिया एलिमेंट हो गया। तो ये स्फीयर का एरिया कितना आता है, 4πr², तो अगर इसको सॉल्व करो तो आंसर कितना आना चाहिए, 4πr² आना चाहिए। सॉल्व करके देख लेते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो 2 बार इंटीग्रेशन कर दो, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। आर, आर की वैल्यू फिक्स है, फिक्स है मतलब आर की वैल्यू कितनी है, आर है, और थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, थीटा है वो 0 से π तक है, और जो डी फाई है वो कितना है, 0 से 2π। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 4πr², जो कि एरिया होता है किसका, स्फीयर का। तो इसका मतलब जो हमने सरफेस एलिमेंट का एरिया लिया है वो सही है। तो ये एरिया आएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जब हम सरफेस एलिमेंट की बात करेंगे, ठीक है। फिर एक और एरिया की बात कर लेते हैं, दूसरे एरिया की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम हम दें पहले, उसके पहले मैं क्या करता हूँ, इसको स्फीयर को वापस बनाया मैंने, इस स्फीयर को इस तरह से वापस बनाया, वापस बनाने के बाद इसको मैंने स्फीयर को यहाँ से काट दिया, ऐसे काट दिया। तो अगर जब मैं काट देता हूँ तो मेरे को स्फीयर कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा ये स्फीयर कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि बाउल की तरह दिखेगा, बाउल कटोरे, तो आधा बाउल ऊपर और आधा बाउल क्या हो गया, नीचे, आधा बाउल ऊपर और आधा बाउल कहाँ हो गया, नीचे। तो आधा बाउल यदि ऊपर है, आधा बाउल नीचे है, तो मेरे को जो सरफेस दिख रही है, जो सरफेस दिख रही है मेरे को, वो कौन सी सरफेस दिख रही है, डिस्क सरफेस, है ना। ये जो सरफेस होगी, इस सरफेस को हम क्या कहेंगे, डिस्क सरफेस, और ये जो सरफेस होगी इसको हम क्या कहेंगे, कर्व्ड सरफेस, ठीक है।
ये जो सरफेस होगी इसको हम क्या नाम देंगे, कर्व सरफेस। अब ये जो डिस्क सरफेस है, इस सरफेस को हम नाम क्या देंगे, डिस्क सरफेस ही नाम देंगे। अब ये डिस्क सरफेस के केस में कांस्टेंट क्या रहेगा वो पता करना है। तो देखो यहाँ से ऊपर चलते हो तो कौन सा एंगल चलता है, थीटा। तो यहाँ से ऐसे निकलोगे अगर, तो यहाँ कौन सा एंगल फिक्स हो गया, थीटा एंगल फिक्स हो गया। थीटा एंगल क्यों कांस्टेंट हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एंगल कितना बना लिया इसने, 90 डिग्री का बना लिया भाई। ये जो प्लेन होता है, ये जो प्लेन होता है, ये वाला बीच वाला प्लेन होता है, इस प्लेन को हम क्या नाम देते हैं, इक्विटोरियल प्लेन। ठीक है, इस प्लेन को हम क्या नाम देते हैं, इक्विटोरियल प्लेन। और इस इक्विटोरियल प्लेन पर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, ये याद रखना। इस इक्विटोरियल प्लेन के ऊपर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90। तो 90 होती है, तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया इस प्लेन के ऊपर। इसका मतलब यहाँ पर कांस्टेंट कौन हो गया, थीटा। तो थीटा कांस्टेंट हो गया, तो अब एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो कौन है, आर डी आर है, और दूसरा कौन है, फाई वाला बचा। तो फाई वाला क्या है, फाई वाले की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा डी फाई। और फिक्स किसको कर रखा है हमने, फिक्स कर रखा है हमने किसको, थीटा को। थीटा की कैप में, थीटा कैप इसकी डायरेक्शन हो गई, जिसको फिक्स कर दिया उसकी डायरेक्शन हो गई। और थीटा बराबर कितना ले रखा है, 90। तो थीटा बराबर 90 यहाँ डाल दोगे, तो 90 डाल दोगे तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर। ठीक है, क्या बनेगा, आर स्क्वायर डी आर और डी फाई, और डायरेक्शन किधर, थीटा कैप। तो अब अगर आप इस डिस्क का एरिया निकालते हो, तो पहले तो ये फॉर्मूला बन गया। तो अब अगर डिस्क का एरिया निकालते हो तो डिस्क का एरिया कितना आना चाहिए, पाई आर स्क्वायर आना चाहिए। तो एरिया निकाल के देख लो, तो एरिया निकाल के देखोगे तो डबल इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर डी फाई और ये थीटा कैप। तो फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई, और आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से आर तक। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी कितनी, पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से इस तरह से दो एरिया हो गए, एक हो गया किसके लिए, ये पूरे स्पेयर के लिए, एक हो गया हाफ स्पेयर के लिए, जिसको हमने डिस्क सरफेस बोला। सबसे पहले हमने फिक्स किया किसको, आर को, रेडियस को, फिर हमने फिक्स किया किसको, पोलर एंगल को। और तीसरा, यदि मैं इस बात को आप याद रख लेना कि यदि हम अजीमुथ एंगल, जिसको हम फाई बोलते हैं, उसको अगर फिक्स करेंगे तो भी जो हमें एरिया मिलेगा वो यही एरिया मिलेगा, है ना। कौन सा एरिया मिलेगा, ये वाला आर स्क्वायर डी आर। अजीमुथ को फिक्स कर दोगे तो डी फाई की जगह कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और थीटा कैप की जगह कितना हो जाएगा, फाई कैप हो जाएगा। तो मैं नोट लगा के लिख देता हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्या लिख रहा हूँ नोट में, इफ़ फाई इज फिक्स्ड, फाई फिक्स्ड है, तो इट ऑल्सो जनरेटेड डिस्क सरफेस, इट ऑल्सो जनरेट कौन सी सरफेस, डिस्क सरफेस, ये भी डिस्क सरफेस जनरेट करेगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी आर डी आर, और डी थीटा की जगह कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, आर डी आर और आर डी फाई। और एंगल कितना रहेगा भाई, एंगल रहेगा भाई 90 डिग्री का, है ना। और यहाँ डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, फाई हमने फिक्स कर दिया है, तो यहाँ आ जाएगा थीटा, और फाई को हमने फिक्स कर दिया, उसी डायरेक्शन में डायरेक्शन चली गई। तो यहाँ पर डी एक्स की, डी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर डी आर, और यहाँ आ जाएगा डी क्या, थीटा, और फाई कैप जो हमारा हो गया फिक्स। तो ये भी हमें क्या वैल्यू देगा, वही वैल्यू देगा जो कि कौन दे रहा है, जब हमने किसको फिक्स किया है, पोलर एंगल को फिक्स किया है, है ना। ये भी डिस्क सरफेस देगा, और वो भी डिस्क सरफेस। तो ये तो बात हो गई सरफेस एलिमेंट की। अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम एलिमेंट। तो वॉल्यूम एलिमेंट तो बहुत सिंपल होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो वॉल्यूम के केस में आपको क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो डी वी बराबर क्या होगा, तीनों डायमेंशंस का मल्टीप्लीकेशन। तीनों डायमेंशंस कौन कौन सी हो गई, डी आर, आर कैप, ठीक है, फिर कौन सी हो गई, आर, एक हो गई डी आर, इसको डी आर ही लिख लो डायरेक्ट, आर कैप तो क्यों लगा रहे हो, फिर लगना पड़ेगा डी आर। दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी आर डी थीटा, और एक और हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा डी फाई, ये हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर और साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई, ये किसकी वैल्यू आ गई, डी वी की वैल्यू आ गई। तो स्पेयर का अगर वॉल्यूम निकालते हो तो वो कितना आना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम निकाल के देख लो, तो डी वी के लिए अगर सॉल्व करते हो तो 0 से वी पूरे के लिए, और तीन बार इंटीग्रेशन 0 से आर, 0 से 2 पाई, और एक कितना होगा, 0 से पाई। तो इसके लिए सॉल्व करते हो तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर
डी थीटा डी फाई, इस पूरे के लिए सॉल्व करोगे तो सॉल्व होने के बाद वैल्यू आएगी 4/3 πr³। ठीक है, तो ये थे हमारे कौन से कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, जिसमें हमने सरफेस एलिमेंट को निकाला और एरिया एलिमेंट को निकाला। अब अगर इसमें बात करें कि इसको हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना हो, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये साइड आ गई थी हमारी कौन सी एक्स, ये साइड कौन सी आ गई थी वाई, और ये आ गई थी जेड। तो यहाँ देखोगे एक्स जो है कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो रहा है, आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई किसके बराबर हो रहा है, आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड किसके बराबर हो रहा है, आर कॉस थीटा के। तो फ्रॉम डायग्राम हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम डायग्राम हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x बराबर क्या है, r साइन थीटा कॉस फाई, y बराबर किसके है, r साइन थीटा साइन फाई, और z बराबर किसके है, z बराबर है r कॉस थीटा के। ठीक है, यदि तीनों को स्क्वायर करके ऐड करें, ठीक है, यदि मैं करना चाहूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आएगा, आर स्क्वायर के। करके देख लो, यहाँ से तीनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा, आर स्क्वायर के बराबर आएगा। इसके अलावा यदि मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करता हूँ, है ना, यदि मैं करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना होगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये होगा साइन स्क्वायर फाई। कॉमन कितना निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में रह जाएगा कॉस स्क्वायर फाई और प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो ये कितना बनेगा, एक, ये एक बनेगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बराबर होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आर साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा इस r साइन थीटा को यदि डिवाइड करते हो इस r कॉस थीटा से, यानी कि अगर मैं इस r साइन थीटा को डिवाइड कर देता हूँ इस r कॉस थीटा से, तो कहने का मतलब मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, ये r से r कैंसिल। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो टेन थीटा इक्वल्स टू बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड के। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, ये किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की। ठीक है, और यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना मिला, आर स्क्वायर मिला। इसी तरह आप निकाल सकते हो वाई अपॉन किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, तो वाई में एक्स का डिवाइड कर दो, आर साइन थीटा कट जाएगा, क्या बनेगा, टेन फाई, तो वहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, फाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये था हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कोऑर्डिनेट्स ये लेने हैं। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है इसमें हेमी स्फेरिकल सरफेस, हेमी स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर इज इन अ कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द बेस एज शोन, the flux through the curved surface S of the hemisphere is. ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो ये हमें डायग्राम दिया हुआ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जा रहा है ऐसे। ये जा रहा है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में हो गया, जेड डायरेक्शन में हो गया। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं हमें, ऑप्शन ये दिए हैं ज़ीरो, बी ऑप्शन दिया है पाई आर स्क्वायर ई, सी ऑप्शन दिया है टू पाई आर स्क्वायर ई और डी ऑप्शन हमें दिया है फोर पाई आर स्क्वायर ई। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो जो है पकड़ने की है, वो पकड़ने की है यहाँ पर दिया हुआ है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही, मैंने आपको बताया था कि यदि कोई कांस्टेंट या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक क्लोज सरफेस के अंदर है, है ना, यदि कोई क्लोज सरफेस रखी हुई है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वहाँ से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। वहाँ से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। अब ये जो हेमिस्फीयर है ये तो क्लोज ही होगा ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ऐसे पास हो रहा है, तो क्लोज में से ही पास हो रहा है, तो क्लोज्ड हेमिस्फेरिकल हेमिस्फीयर है। तो सॉल्यूशन फॉर क्लोज्ड हेमिस्फीयर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसका मतलब इससे जो पास होगा टोटल फ्लक्स, वो टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर। और ये जो सरफेस है ये दो सरफेस से मिलकर बनी है, ये सरफेस कौन सी सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, और यहाँ पर ये बनी हुई है डिस्क। तो एक तो आएगा फाई कर्व्ड और एक क्या आएगा फाई डिस्क, ठीक है, एक क्या आएगा फाई डिस्क। यानी कि जो फाई कर्व्ड सरफेस है वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ फाई डिस्क के। हमें जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कर्व्ड सरफेस से किसकी वैल्यू बतानी है, हमें फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। तो यदि मैं डिस्क का निकाल लूँ तो कर्व्ड का क्या आएगा, उसका माइनस आ जाएगा, और वही मेरे लिए आसान होगा, तो मैं डिस्क का निकाल लेता हूँ। तो डिस्क का कैसे निकालेंगे, ये डिस्क है, ये डिस्क है, तो डिस्क का जो नॉर्मल आएगा आउटवर्ड्स आएगा, क्योंकि डिस्क के ऊपर बना हुआ हेमिस्फीयर ऐसे, तो इसका जो नॉर्मल जाएगा किधर जाएगा, ऐसे जाएगा अंदर की तरफ। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे पास हो रहा है, ऐसे। तो यदि इसका लिए मैं फ्लक्स निकालूं तो फ्लक्स कैसे निकलेगा, ई डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट है तो कैसे निकलेगा, ई डी एस और कॉस, इनके बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो ये हो गया ई डॉट डी एस। ठीक है, तो यहाँ ई कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, डी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर, ये डिस्क है तो डिस्क का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, और कॉस 180 कितना देगा, माइनस। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, फाई डिस्क की आ गई। हमें किसका पूछा है, हमें पूछा है कर्व्ड का, तो कर्व्ड के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाई कर्व्ड जो होगा वो क्या होगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ई पाई आर स्क्वायर। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के ऊपर एक क्वेश्चन भी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उसको कैसे डील करते हैं, उसके अलावा जो गाउस लॉ है उसके ऊपर हम और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो क्यूबिकल सरफेस से रिलेटेड भी होंगे और स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड भी होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।